अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग सीरीज। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले हम बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर देख लेते हैं। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर के अंदर बेसिक ऑपरेशन क्या होते हैं। तो बेसिकली हम चार डिफरेंट ऑपरेशंस के अंदर इसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले इनपुट ऑपरेशन। इनपुट ऑपरेशन मींस के डेटा जो कंप्यूटर को इंटर किया जाएगा, तो उसके लिए हम इनपुट डिवाइसेस को यूज करेंगे। जैसे हमारे पास कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, कैमरा है, स्कैनर्स हैं। इसके बाद है प्रोसेसिंग ऑपरेशन। प्रोसेसिंग ऑपरेशन मीन्स के जो कैलकुलेशन होगी, जिसके अंदर अर्थमेटिक ऑपरेशन हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड या रिमाइंडर निकालना। फिर लॉजिकल ऑपरेशन है, जैसे एंड, आर और नॉट। फिर हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर है, जिसमें दो नंबर्स को या दो क्वांटिटीज को आपस में रिलेट किया जाता है कि क्या फर्स्ट क्वांटिटी दूसरे से ग्रेटर देन है, लेस देन है, या दोनों क्वांटिटीज या नंबर इक्वल हैं या इक्वल नहीं है, या फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू और लेस देन आर इक्वल टू। तो इस तरह की जितनी भी प्रोसेसिंग है, कैलकुलेशन है, वो हमारे सीपीयू के अंदर या कंप्यूटर के ब्रेन के अंदर ये परफॉर्म होंगी। उसके बाद हमारे पास जो भी कैलकुलेशन होगी उसका एक रिजल्ट बनेगा, जो आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर हमें नजर आएगी, और इसको हम आउटपुट ऑपरेशन कहेंगे, जो नॉर्मली मॉनिटर के ऊपर या एलसीडी के ऊपर या प्रिंटर या इसी तरह से और आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर हमें आउटपुट डिवाइसेस ये करती हैं कि कंप्यूटर के अंदर जितना भी डाटा होता है वो बाइनरी लैंग्वेज के अंदर होता है। तो जब वो आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर आता है तो आउटपुट डिवाइसेस उसको दोबारा रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टोरेज ऑपरेशन है, मींस के जो डाटा हमने प्रोसेस किया उसको अगर फर्दर बाद में यूज करना है तो उसको हम स्टोर कर लेंगे। तो स्टोरेज के लिए हम हार्ड डिस्क, फ्लॉपी ड्राइव, सीडी और इस तरह की और डिवाइसेस यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। किसी भी चीज की क्लासिफिकेशन ये होती है कि आप उसको मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्कूल है, उसके अंदर स्टूडेंट्स हैं, तो हम उनके मुख्तलिफ ग्रुप बना सकते हैं। हम उनके क्लासेस के हिसाब से ग्रुप बना सकते हैं, यानी 9th क्लास, 10th क्लास, 1st ईयर, 2nd ईयर। हम उनके बॉयज और गर्ल्स के हिसाब से ग्रुप बना सकते हैं या क्लासिफिकेशन बना सकते हैं। हम बच्चों की परसेंटेज के हिसाब से ग्रुप बना सकते हैं कि फर्स्ट डिवीजन वाले, सेकंड डिवीजन वाले, थर्ड डिवीजन वाले अलग अलग कर दिए जाएं, या उनकी सिटी के हिसाब से ग्रुपिंग की जा सकती है कि एक शहर के बच्चे अलग, दूसरे के अलग। तो ये मुख्तलिफ हम क्लासिफिकेशन बना सकते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर भी हम मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन जो है उनकी हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जो एक ऑलरेडी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा भी है, अगर हम हिस्ट्री के हिसाब से क्लासिफिकेशन करें तो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर हैं, थर्ड हैं, फोर्थ हैं और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। अगर एक और तरह से इसकी क्लासिफिकेशन की जाए तो जनरल पर्पस कंप्यूटर हैं और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर हैं। जनरल पर्पस कंप्यूटर जो हर मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और नॉर्मली जो हम कंप्यूटर अपने घरों में यूज करते हैं वो जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है। फिर स्पेशल पर्पस कंप्यूटर हैं जिनको किसी खास मकसद के लिए बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल, कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर के अंदर आप सिर्फ कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसके ऊपर आप कुछ और नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर हम एक और क्लासिफिकेशन इसकी बनाएं, या जिसको टाइप ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, तो उसमें एनालॉग कंप्यूटर्स हैं, डिजिटल कंप्यूटर हैं, फिर हाइब्रिड कंप्यूटर है। और एक और अगर क्लासिफिकेशन बनाया जाए साइज और कैपेसिटी के हिसाब से, तो हमारे पास जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं, मिनी कंप्यूटर हैं, सुपर कंप्यूटर हैं, माइक्रो कंप्यूटर हैं, इसके बाद एम्बेडेड कंप्यूटर है और मोबाइल कंप्यूटर्स हैं। और माइक्रो कंप्यूटर के अंदर फर्दर अगर हम देखें तो इसमें डेस्कटॉप है, टावर्स हैं, लैपटॉप हैं और इसी तरह से और कंप्यूटर्स हैं।
तो इस लेक्चर के अंदर हम सारी क्लासिफिकेशन को अलग अलग लर्न करेंगे। तो पहली क्लासिफिकेशन या टाइप ऑफ कंप्यूटर में हम एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर को डिस्कस करते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर हमारे पास पुराने टाइप के कंप्यूटर थे जो इतने एक्यूरेट नहीं थे, और एनालॉग मीन्स कि कंटिन्यूटी, ऐसा सिग्नल जिसमें कंटिन्यूटी होती है, जबकि डिजिटल कंप्यूटर के अंदर हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं। यानी एनालॉग सिग्नल के अंदर अगर हम देखें तो वहां जीरो और वन के दरमियान इन्फिनिटी नंबर्स हैं, यानी पॉइंट्स के अंदर जो नंबर हैं 0.1, 0.2, 0.3 एंड सो ऑन, जबकि डिजिटल कंप्यूटर के अंदर हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, या तो वैल्यू जीरो होगी या फिर वैल्यू वन होगी। तो डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर के अंदर अगर हम डिफरेंस करें तो डिजिटल कंप्यूटर डिस्क्रीट वैल्यूज के ऊपर काम करते हैं, जबकि एनालॉग कंप्यूटर जो है कंटिन्यूट वैल्यूज के ऊपर काम कर रहे होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर जो है उनकी स्पीड कम है और डिजिटल कंप्यूटर की स्पीड जो है वो ज्यादा है। एनालॉग कंप्यूटर हमारे पास लेस रिलायबल और स्पेशल पर्पस डिवाइसेस होती हैं, यानी इनके ऊपर रिलायबिलिटी कम है इनके अंदर, जबकि डिजिटल कंप्यूटर के अंदर जो है रिलायबिलिटी जो है वो ज्यादा है। एनालॉग कंप्यूटर स्पेशल पर्पस डिवाइसेस हैं, यानी इनको किसी खास मकसद के लिए बनाया जाता है, जबकि डिजिटल कंप्यूटर नॉर्मली जनरल पर्पस डिवाइसेस होती हैं जिनको हर मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एनालॉग कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है वो कम है, जबकि डिजिटल कंप्यूटर की परफॉर्मेंस जो है वो हाई है। एनालॉग कंप्यूटर के अंदर जो हमारे पास रिजल्ट है उसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं है, जबकि डिजिटल कंप्यूटर के अंदर हमारे पास जो रिजल्ट है उसकी एक्यूरेसी ज्यादा है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर की कुछ एग्जांपल्स हैं, और राइट हैंड साइड के ऊपर यहाँ पे हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर की कुछ एग्जांपल्स हैं। तीसरी टाइप की जो कंप्यूटर है वो एनालॉग और डिजिटल इन दोनों को मिक्स करके हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर है, यानी ऐसे कंप्यूटर जिनके अंदर एनालॉग प्रॉपर्टीज भी हैं और डिजिटल प्रॉपर्टीज भी हैं, यानी वो एनालॉग की तरह से भी हमें रिजल्ट देते हैं और डिजिटल की तरह से भी हमें रिजल्ट देते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की खसूसियात को मिला के हमारे पास जो कंप्यूटर आते हैं वो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। इनमें एनालॉग की भी सारी खसूसियात होती हैं और डिजिटल कंप्यूटर की भी सारी खसूसियात होती हैं। एनालॉग इनपुट ली जाती है और रिजल्ट हमारे पास डिजिटल फॉर्म के अंदर होता है। जैसे पेट्रोल पंप में जितनी भी इनपुट होगी एनालॉग फॉर्म में होगी पेट्रोल को मेजर करने के लिए, और उसको करेंसी में जब कन्वर्ट किया जाएगा तो डिजिटल फॉर्म में हमें उसका रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास मेजरमेंट ऑफ पेशेंट हार्ट बीट हम देखते हैं कि एनालॉग फॉर्म में भी हमारे पास रिजल्ट होता है और डिजिटल फॉर्म में भी हमारे पास रिजल्ट आता है। तो ये हाइब्रिड कंप्यूटर है जिसमें है एनालॉग और डिजिटल दोनों फॉर्म में हमारे पास रिजल्ट है। नेक्स्ट हमारे पास कंट्रोल इंडस्ट्रियल प्रोसेस, जिसके अंदर इंडस्ट्रीज के अंदर जितनी भी इनपुट है या जितना भी प्रोसेस हो रहा है वो एनालॉग फॉर्म में है और उसका रिजल्ट हमारे पास डिजिटल फॉर्म के अंदर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास साइंटिफिक लेबोरेटरी की, और नेक्स्ट हमारे पास है रडार सिस्टम्स, जिसमें इनपुट जो है वो एनालॉग फॉर्म में है और रिजल्ट हमारे पास डिजिटल फॉर्म के अंदर है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थी हाइब्रिड कंप्यूटर की। इसी तरह से अल्ट्रासाउंड भी है। हाइब्रिड कंप्यूटर ये ज्यादा कॉस्टली होते हैं, जिसके अंदर हमें एक्स्ट्रा जो है नोड्स, हब और सर्किट वगैरह को यूज करना पड़ता है। आज का लेक्चर इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।